हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास किचन। आज हम बनाएंगे तांबड़ी भाजी। इसको तांबड़ी भाजी भी बोलते हैं, लाल माठ भी बोलते हैं, या तो लाल अमरनाथ भी बोलते हैं। तो पहले उसको मैंने धो के बाद में बारीक चॉप करके लिया है। ऑनियन को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। आपको जितना ज़्यादा कम डालना है उतना आप डाल सकते हैं। और मैंने हरी मिर्च लिया है स्पाइसी वाली। ये सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी रहती है, आपको जितना स्पाइसी खाना है उस हिसाब से आप लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है तेल। तेल गरम हो गया है, अब हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे। कांदा डालेंगे, ऑनियन को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब हम उसमें लाल सब्जी डाल देंगे। जब भी आप हरियाली सब्जी बनाते हैं या कौन सी भी ग्रीन्स पत्ते की सब्जी बनाते हैं तो पहले ही नमक उसमें मत डालिए। सब्जी हमेशा बहुत कम हो जाती है, बाद में हमें नमक डालना है। अभी हम नमक डालेंगे। इस सब्जी में हमें पानी नहीं डालना है। अब हम उसको स्लो फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बीच में एक दो बार मिक्स करके रखा था सब्जी को, और हमारी सब्जी अभी पक गई है। तो अब हम उसमें नारियल डालेंगे। आप इस सब्जी टिफिन में भी लेके जा सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, सिंपल सब्जी है पर खाने में टेस्टी लगती है। आप इसे राइस के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारी तांबड़ी भाजी रेडी है। अब बहुत सिंपल है, टेस्टी है, आप इसे ज़रूर बनाइए और आप रोटी या राइस के साथ खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।